हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए भी ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं बॉडी को। इन्हें बनाने के लिए मैं ले रही हूँ खजूर और मखाना, छोटी इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, गोंद। इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में घी। घी को गर्म करेंगे, 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में हमने इसमें काजू और बादाम डाल दिया है। काजू बादाम को हम अच्छे से चला लेंगे। जब ये इसका कलर चेंज हो जाए, बादाम चटकने लगे, तो समझ लीजिए कि ये भुन चुका है। इसको बीच बीच में चलाते रहें। इस तरीके से हो जाए तो समझ लीजिए हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में हम डाल देते हैं पिस्ता। पिस्ता हम आधा मिनट के लिए भून लेते हैं। पिस्ता भी हम निकाल लेते हैं। हम डाल देते हैं किशमिश। और किशमिश जब डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका गैस जो है वो एकदम स्लो होना चाहिए, नहीं तो जलने लगती है। और ये जब किशमिश फूलने लगे इस तरीके से, तो फिर जब फूल जाए सारी किशमिश तो इन्हें हम निकालेंगे। इसमें हमने गोंद को डाल दिया है और गोंद को ऐसे भूनना है कुछ देर। और ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए, जैसे साबूदाना चटकता है वैसे ही ये चटकने लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये गोंद भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं मखाने। डाल देते हैं इसमें, इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। मखाने भून चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी और इसमें हम डाल देते हैं खजूर को। इसमें डाल देते हैं थोड़ी देर, इसको थोड़ा सा नरम कर लेते हैं कढ़ाई में डाल करके। अगर आपको ये मिक्सी में ऐसे नहीं पीस जाता है जल्दी, थोड़ा दिक्कत होता है पीसने में, तो आप इसे ऐसे ही कढ़ाई में डाल करके और किसी ऐसे जो जो मतलब चलाने वाला स्पैचुला है उसी से आप इसे ऐसे मतलब मैश कर सकते हो, अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ग्राइंड किया था। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना, इसे दरदरा पीसना है। अगर आप इसे पीसना नहीं चाहते हो तो छोटे छोटे टुकड़े इसके चाकू से भी कट कर सकते हो, या फिर किसी बेलन से आप इसे कूट लीजिए हल्का हल्का। ये देखिए, मैंने खजूर को निकाल लिया, सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है। इसमें हम डाल देते हैं कढ़ाई में। कुटी हुई इलायची डाल देते हैं और जो मखाना है उसको भी पीस के हम इसमें डाल देते हैं। अब हम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। और खजूर को ध्यान रखना है कि ये हल्का सा गर्म ही रहे, तभी इसको मिक्स कर लीजिए, नहीं तो ठंडा होने के बाद जल्दी मिक्स नहीं होता है। तो इसको ऐसे एकदम स्लो आंच पे ही रखिए और ऐसे मिक्स करते रहिए। अगर नहीं हो रहा है उससे मिक्स, तो आप हाथों से मिक्स कर लीजिए। हाथ को पहले क्लीन कर लीजिए अच्छे से, फिर आप हाथों से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पीस के रखा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, इन्हें हाथों से मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से 2 छोटे चम्मच घी हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। ये देखिए इस तरीके से लड्डू बन के तैयार है। सारे लड्डू हम इसी तरीके से इसे बना लेते हैं। रेडी है हमारे लड्डू खाने के लिए।